दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नया सियासी विवाद पैदा हो गया है। जेएनयू की दीवारों पर जातिगत टिप्पणी करते हुए धमकी दी गई है और सिर्फ छात्रों ही नहीं बल्कि दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े शिक्षकों को निशाना बनाया गया है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो अपनी शिक्षा के साथ अब की आधुनिक राजनीतिक लड़ाई में विवादों के केंद्र में रहती है। जेएनयू के भीतर दीवारों पर लिखे जातिवादी नारे क्या एक नए विवादों के सेंटर में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ला देंगे? स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया जाति के छात्रों को भारत छोड़ने और फिर धमकी भरी लैंग्वेज में लाल रंग से लिखा गया। ऐसी बातें जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर लिखी पाई गयी। जेएनयू की उन महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया, जिन्हें नवंबर 2019 में लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों ने लंबा घेराव करके रोका था। इन विवादित नारों को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट संगठन के बीच अब तू-तू मैं-मैं शुरू हुई है। लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियाँ देना, हेट फैक्ट्री जेएनयू को बना दिया है, ऐसी चीज़ें अगर जेएनयू के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए, किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। लेफ्ट के संगठनों ने एबीवीपी के आरोपों को नकारा है। जरूरी है कि वक्त रहते प्रशासन इसकी जांच करे, कार्रवाई करे, वरना ये विवाद बड़ा होगा तो फिर से शिक्षा की यूनिवर्सिटी सियासत के दंगल की गवाह बनने लगेगी। तो विवादों से हमेशा जेएनयू घिरा रहता है। एक बार फिर से ये नया विवाद जिसमें बकायदा दीवारों पर जातिगत टिप्पणियां की गई हैं, जाति के आधार पर धमकी देने का भी आरोप लगा है, लेकिन ये किसने किया है, दरअसल सवाल यही बना हुआ है। जय भीम आप लिखा हुआ देख सकते हैं, वहीं ब्राह्मणों को भारत छोड़ने का ये पूरा मैसेज दीवार पर चस्पा दिखाई दे रहा है।